नेक्स्ट जो टॉपिक है उसका नाम है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। देखो एक ना कहानी शुरू करते हैं, एक वायर की कहानी है। ये चैप्टर बना कैसे देखो, एक वायर की कहानी है। एक वायर है, एक वायर में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्वेश्चन नंबर वन, क्या ये फ्री इलेक्ट्रॉन जब मैंने बैटरी से कनेक्ट नहीं की वायर, क्या ये फ्री इलेक्ट्रॉन मोशन में होंगे या नहीं होंगे? क्या ये फ्री इलेक्ट्रॉन मोशन में होते हैं या नहीं होते जब मैंने बैटरी और कोई करंट कोई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई नहीं किया? हाँ या ना? होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स हमेशा रैंडम मोशन में होते हैं, ठीक है? क्यों होते हैं? क्योंकि बाहर से टेम्परेचर की वजह से वो एनर्जी गेन कर लेते हैं और इतनी एनर्जी से वो मूवमेंट शो कर सकते हैं। अब किसी के दिमाग में ये आया पहला क्वेश्चन कि भाई अगर इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन में होते हैं तो फिर करंट क्यों नहीं पैदा करते? भाई रैंडम मोशन, क्योंकि सर ने बताया था अगर करंट इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो करंट तो आएगा, तो फिर करंट क्यों नहीं आ रहा? क्यों नहीं करंट आ रहा? क्योंकि क्योंकि करंट क्यों नहीं आ रहा? हर इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन में, फ्री इलेक्ट्रॉन, और पता है कितनी स्पीड है, कितनी होएगी? 10^5 मीटर पर सेकेंड, बहुत होती है 1,00,000 मीटर पर सेकेंड स्पीड। इतनी फास्ट मूव कर रहा है इलेक्ट्रॉन, पर करंट है ही नहीं, क्योंकि वो रैंडम डायरेक्शन में है। क्योंकि वो एक सारे इलेक्ट्रॉन जब तक एक तरफ नहीं जाएंगे करंट कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे। पर सोचने वाली बात है, क्यों नहीं करेंगे यार? टेढ़े मेढ़े जाएंगे तो नहीं करेंगे, सीधे जाएंगे तो करेंगे, ये क्या बात बनी? करने चाहिए ना, करने चाहिए। एक्चुअल में लॉजिक ये है कि अगर आपके पास कोई भी एक क्रॉस सेक्शन एरिया ले लेती है बीच में, मान लो इसमें से 200,000 इलेक्ट्रॉन यहाँ पास कर गए, क्रॉस सेक्शन एरिया को क्रॉस कर गए, तो करंट डेंसिटी इज करंट बाय एरिया। लेकिन उसी टाइम 200,000 इलेक्ट्रॉन इधर भी क्रॉस कर गए, इधर जाने वाले इलेक्ट्रॉन ने कुछ करंट कंट्रीब्यूट किया होगा, तो साथ के साथ इधर आने वाले इलेक्ट्रॉन ने भी करंट कंट्रीब्यूट किया, इन ऑपोजिट डायरेक्शन, नेट करंट क्या हो गया? जीरो। तो ये इतना रैंडम प्रोसेस है कि करंट में कंट्रीब्यूशन होता ही नहीं, क्योंकि कितने इलेक्ट्रॉन राइट जा रहे हैं रैंडमली, उतने इलेक्ट्रॉन लेफ्ट भी आ रहे हैं, तो नेट करंट कंट्रीब्यूशन क्या माना जाता है? जीरो। तो ठीक है, यहाँ तक पहला आंसर मिल गया। तो जो कंडक्टर की स्टोरी सुना रहा हूँ या कहानी सुना रहा हूँ, उसके अंदर पहला आंसर मिला, मतलब किसी अंग्रेज ने तो स्टडी किया ना, तो वो अंग्रेज ने जैसे स्टडी किया ऐसी स्टडी किया होगा कि देखें जरा क्या हो रहा है वायर के अंदर। फिर उसने क्या क्या एक्सपेरिमेंट किया, उसने कहा एक काम करते हैं बैटरी कनेक्ट करते हैं, ठीक है जी बैटरी कनेक्ट कर लो। तो उसने एक बैटरी कनेक्ट कर ली इस कंडक्टर के क्रॉस कुछ ऐसे, तो ये प्लस ये माइनस, ये प्लस तो ये टर्मिनल प्लस ये माइनस, अंदर पड़े हुए थे फ्री इलेक्ट्रॉन, सारे फ्री इलेक्ट्रॉन प्लस की तरफ आने स्टार्ट हो गए। हाँ ठीक है, अब बात समझ में आ रही है, अब रैंडम मोशन नहीं है, अब सारे के सारे इकट्ठे मूव करेंगे टुवर्ड्स प्लस। तो इलेक्ट्रॉन से जब पूछा कि तुम क्यों मूव कर रहे हो, तो इलेक्ट्रॉन ने क्या कहा? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लगाई। उन्होंने क्या कहा? क्योंकि हमारे ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया गया, बैटरी ने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, कहाँ से कहाँ? पॉजिटिव से नेगेटिव, तो इलेक्ट्रॉन ने फोर्स एक्सपीरियंस की इन ऑपोजिट डायरेक्शन। क्या आंसर मिल गया यहाँ तक? सही है, यहाँ तक क्लियर है। तो CBSE वालों ने इस बात पे क्वेश्चन पूछ लिया, पुराने पेपर मिल जाएगा। उन्होंने ये पूछा कि इसके अंदर अप्रॉक्सीमेटली 10^28 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 1 m³ में, इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 10^28, कितने लाख करोड़ में तो ये भी नहीं पता, 1 m³ में इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं। भाई इतने इलेक्ट्रॉन पे जब बैटरी ने क्या किया, बैटरी ने जब हमने बैटरी लगाई और इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, तो एक इलेक्ट्रॉन मूव करता है। और मैं अभी बताऊंगा, अभी इलेक्ट्रॉन जब बैटरी से मूव करता है ना, उसकी स्पीड पता है क्या होती है? रैंडम के अंदर तो बहुत स्पीड है 10^5, लेकिन बैटरी के साथ इसकी स्पीड होती है 10^-5 -6 बस। मतलब कछुए भी शायद तेज भाग जाएंगे, बहुत तेज इलेक्ट्रॉन ना भागेगा, इलेक्ट्रॉन बैटरी लगाने पे बहुत स्लो मोशन में होता है। तो क्वेश्चन ये पूछा गया कि भाई जब बैटरी लगाने पे इनकी स्पीड 10^-5 m/s देखी गई, तो फिर करंट कंट्रीब्यूशन तो बहुत ही लो था, तो फिर लेकिन हमें तो बड़ी जोर की करंट लग जाता है, तो वो क्यों लग जाता है? हमारा करंट तो 1-1, 2-2, 3-3 ampere तक जाता है वायर में, जबकि चलता तो वो ना मात्र स्पीड पे है, तो फिर करंट कहां से इतना जनरेट हो गया? आंसर क्या लिखोगे? क्योंकि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, लाखों करोड़ों इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनका छोटा छोटा करंट बहुत बड़ा करंट पैदा कर जाता है। समझ
समझ में आ रहा है यहाँ तक? तो कहानी समझ में आ रही है, पहले रेंडम मोशन की कहानी है, फिर बैटरी लग गई, बैटरी लगी, इलेक्ट्रॉन ने मूव किया, इलेक्ट्रॉन जब मूव किया और मूव करके चलो ये आंसर आ गया, बात यहाँ ख़त्म हो जाती ना, मतलब ये चैप्टर क्लोज करके हम घर चल पड़ते, ख़त्म नहीं हुई। अब देखो एक और स्टूडेंट बैठा था जिसको इलेक्ट्रोस्टैट थोड़ा ध्यान से सुना हुआ था, उसने उसने ये बोला कि सर एक बात बताओ, क्या इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट करेंगे? हाँ बिल्कुल करेंगे। बोलो इसमें एक्सेलरेशन क्या होगी इलेक्ट्रॉन की? फोर्स अपॉन मास। सही है, सही बोला ना कि फोर्स अपॉन मास एक्सेलरेशन है। सभी इलेक्ट्रॉन्स पे सेम एक्सेलरेशन लगेगी? लगेगी। कोई डाउट इसमें? ठीक। अच्छा इमेजिन करो ये रूम रूम नहीं है, ये रूम ये वायर है और इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, ये बोर्ड जो है एंड ऑफ द वायर है और वो दीवार जो है स्टार्टिंग ऑफ द वायर है। आप सब स्टूडेंट्स नहीं हैं, आप सब फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अब आपको भागना है, कहाँ भागना है? टुवर्ड पॉजिटिव प्लेट। ये बोर्ड पॉजिटिव प्लेट है, आप सबको पॉजिटिव प्लेट अपनी तरफ क्या कर रही है? अट्रैक्ट कर रही है। इमेजिन कर लिया? तो आप सब क्या करेंगे? एक्सेलरेट करेंगे, क्योंकि आपके ऊपर इतनी एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है? वेलोसिटी का बढ़ना। अब ध्यान से देखना, सबसे पहले मैंने कहा चल तू अपनी स्टोरी सुना, तेरे पे एक्सेलरेशन लगी? वो कहता हाँ लगी। कितनी लगी? इतनी लगी। तो ठीक है, फिर जब तू यहाँ आएगा तेरी स्पीड क्या होगी? वो कहता देखो रैंडम मोशन में, चलो मान लिया मेरी स्पीड जीरो थी, जब मेरे पे बैटरी अप्लाई की गई या बैटरी ने मेरे ऊपर एक्सेलरेशन अप्लाई की, तो मैं अपनी स्पीड बढ़ाऊंगा, यहाँ तक आते आते मेरी स्पीड होगी 0, 1, 2, 3। मैंने कहा ठीक है तेरी स्पीड 3 हो गई। मैंने वो आखिरी स्टूडेंट से पूछा भाई अब तू अपनी कहानी सुना, वो कहता जी मेरे पे भी सेम एक्सेलरेशन है तो मैं भी भागूंगा, मैं भी स्पीड बढ़ाऊंगा। तो मैंने कहा फिर कितनी स्पीड बढ़ी? वो कहता 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। फिर मैंने इससे पूछा, ये कहता जी 1, 2, 3, 4, 5, 6। मैं हर से अपना अपना क्वेश्चन पूछे जा रहा हूँ, हर कोई अपने अपनी स्पीड बोले जा रहा है। क्यों? क्योंकि किसी को एक्सेलरेट करने का ज़्यादा समय मिला और किसी को एक्सेलरेट करने का कम समय मिला। तो एक बात तो फिर पक्की हो गई, तुम सभी इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड एक नहीं हो सकती। अगर यहाँ पर 10 करोड़ इलेक्ट्रॉन्स हैं, सबकी स्पीड एक हो ही नहीं सकती, क्योंकि सबको भागने का समय कैसा मिल ही नहीं रहा। कोई जल्दी अपने टारगेट पे पहुंच रहा है, कोई कम पहुंच रहा है, कोई लेट में पहुंच रहा है। तो वेलोसिटी हर इलेक्ट्रॉन की वायर में क्या रहेगी? डिफरेंट। एक्सेलरेशन चाहे सेम है पर हर इलेक्ट्रॉन डिफरेंट वेलोसिटी से भागेगा। कोई डाउट इसमें? ये कहानी समझ में आ गई? अब क्या करूं इस चैप्टर के अंदर? अगर 10 करोड़ इलेक्ट्रॉन्स हैं तो 10 करोड़ की रजिस्टर बनवाऊं, पहले इलेक्ट्रॉन की ए वेलोसिटी, दूसरे की ए वेलोसिटी, तो मेरे ख्याल से यहीं बस यहीं बैठे रह जाएंगे पूरी ज़िंदगी, वो वेलोसिटी नहीं आएगी, इतने रजिस्टर बढ़ जाएंगे, तो ये तो हो नहीं सकता। तो फिर क्या फैसला करेंगे, क्या निकालें? एवरेज। कौन करेगा इतने इलेक्ट्रॉन्स पे काम? तो सभी इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी का क्या ले लेंगे? एवरेज, ताकि हमारी ज़िंदगी सुखी हो जाए और हमारा इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर भी ठीक चल पड़े। क्योंकि 10^-5 में क्या तो छोटी वेलोसिटी, क्या तो बड़ी वेलोसिटी, तो क्या ही वेरिएशन होगी। तो हम सभी वेलोसिटीज का क्या कर लेंगे? एवरेज। उस एवरेज वेलोसिटी का नाम क्या रखेंगे? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो टॉपिक कहां से आया, समझ में आया? तो यानी कि हर इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी डिफरेंट होने वाली है और इस वजह से हम इतनी वेलोसिटीज को स्टडी नहीं कर पाएंगे। तो हम क्या करेंगे? सभी वेलोसिटीज का एवरेज लेके उस पर काम करेंगे। तो पहला काम क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी को निकाल लेना। कोई डाउट इसमें? ठीक है यहाँ तक। और अगर बात यहाँ पे ख़त्म हो गई होती ना, मैं तब भी कोई बात नहीं, तब भी प्रॉब्लम नहीं थी हुई, बात यहाँ भी ख़त्म नहीं हुई। अब देखो इलेक्ट्रॉन की जिंदगी देखो कैसे चल रही है एक वायर के अंदर। तुम फिर से इलेक्ट्रॉन बन जाओ और तुम्हें फिर मूव करवाएंगे। जब तुम्हें कहा वायर में मूव करो, एक्सेलरेट करो एक तरफ, तो तुमने कहा सर इतना स्मूथ होता तो बात ही क्या आती, हम सब भाग के आ जाते। स्मूथ है ही नहीं। मैंने कहा क्यों? कहता देखो जो कंडक्टर है ना उसके अंदर पड़े हुए हैं एटम्स और हम तो एटम से भागे हुए इलेक्ट्रॉन्स हैं, हम तो वैसे आखिरी शेल को भाग भाग के छोड़ छोड़ के भागे हुए हैं। अब अंदर जो पॉजिटिव आयन है, न्यूक्लियस भी है पूरा पॉजिटिव आयन है, जब हम भागते हैं वो रास्ते में ना टक्कर मारते हुए जाते हैं उसके साथ, क्योंकि रास्ते में वो भी तो आएंगे, क्योंकि वो स्पेस है जो पूरा स्पेस बनेगा। हर जगह तो एटम नहीं है लेकिन मतलब बहुत टाइटली पैक्ड, मैं ये नहीं कहता, बट कुछ स्पेस तो है मूव करने की जहाँ से मूव करेंगे, पर इतना फ्लो स्मूथ नहीं है, क्योंकि जैसे ही मूव करते हैं जो एटम है वहाँ से उसकी टक्कर हो जाती है।
तो यहां तो बहुत दूर पहुंचने की बात हो गई, तुम तो पता नहीं कितने लाख टक्करे मार मार के यहां पर पहुंचोगे, इतने साइंस से पहुंचोगे भी नहीं। पहले तो तुम्हारी स्पीड स्लो है, 10^-5 एवरेज वेलोसिटी, फिर तुम चलते हो एक एटम मिल जाता है, लाखों करोड़ों एटम है, टक्कर हो जाती है, तुम फिर चलते हो तुम्हारी फिर टक्कर हो जाती है, तुम फिर चलते हो तुम्हारी फिर टक्कर हो जाती है। तो इमेजिन कर रहे हो आपकी जिंदगी कैसी चल रही है, इलेक्ट्रॉन की जिंदगी कैसी चल रही है इसमें। अब जितनी टक्कर होती है इलेक्ट्रॉन के फ्लो को रुकावट है, उस रुकावट को इस चैप्टर का नाम क्या बोला जाता है, रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस का होने का मेन जो कारण है वो टक्करें हैं, वो कोलिजन्स हैं। तो इलेक्ट्रॉन कोलिजन करता हुआ जा रहा है एटम के साथ, तो जिस वजह से वो ठीक तरह चल नहीं पा रहा और जिस वजह से रेजिस्टेंस ऑफर हो रही है। अब समस्या यहां तक भी खत्म नहीं हुई, अब प्रॉब्लम एक और होगी, जैसे ही इलेक्ट्रॉन चलता है वो टक्कर मारता है एटम को, उसकी काइनेटिक एनर्जी उसी टाइम खत्म, वो बेचारा एक्सेलरेट करता है, स्पीड बढ़ाता है, इतने में टक्कर हो जाती है, वो आराम से फिर रिलैक्स करता है, बैठ जाता है, वो फिर एक्सेलरेट करता है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो अप्लाइड ही है, वो फिर एक्सेलरेट करता है, फिर टक्कर हो जाती है, वो फिर एक्सेलरेट करता है, फिर टक्कर हो जाती है। अब जैसी वो एक्सेलरेट करता है वेलोसिटी बढ़ती है और टक्कर होती है, उसकी सारी काइनेटिक एनर्जी हीट में बाहर निकल आती है। तो इसीलिए कहा जाता है जब वायर में करंट दौड़ रहा है तो वायर ना गर्म हो जाती है, इसको बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। 10th याद आ रही है, रेजिस्टेंस, ड्रिफ्ट, हीटिंग इफेक्ट, ये सब इसके, ये पूरा चैप्टर ऐसे चलता है। तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि क्या लॉजिक चल रहा है इसमें, तो इसी को तो डिटेल में स्टडी करना है, रेजिस्टेंस निकालना है, ये ड्रिफ्ट निकालनी है, हीटिंग इफेक्ट निकालना है। तो आइडिया समझ में आ रहा है कि इलेक्ट्रॉन की मोशन को स्टडी करना है हम इसमें, ठीक है। अब इसके अंदर सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी के अंदर, ड्रिफ्ट वेलोसिटी को स्टडी करने से पहले राजा ऐसे बोलते हैं, एक टॉपिक है जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ। एक लाइन में समझाऊंगा फिर ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे आएंगे। जब हम मार्केट से एक सेल लेके आते हैं, ये सेल के दो टर्मिनल्स हैं। इस चैप्टर में ना सेल की बहुत जरूरत है क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी डीसी जो है वो सेल से बाहर निकलेगा करंट, तो सेल के बारे में बताया जा रहा है पहले। जब आप मार्केट से एक सेल लेके आते हो, इस पर लिखा हुआ 9 वोल्ट का सेल है, दो टर्मिनल्स हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ठीक है, तो जिस कंपनी ने बनाया उसने कहा जी 9 वोल्ट प्रिंट करके दिया है, उसने कहा चेक करवा लो कि इसमें दो टर्मिनल्स में पोटेंशियल डिफरेंस 9 वोल्ट निकलेगा। क्या अगर ये कंपनी लिख के दे रही है कि 9 वोल्ट है तो क्या इसमें से 9.5 वोल्ट निकाल लोगे? नहीं निकाल, कैसे निकाल लोगे यार, है ही 9 वोल्ट जब। तो यानी कि मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस इन टर्मिनल्स के बीच में कितना रहा होगा? 9 वोल्ट। हम इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर में आगे स्टडी करेंगे कि जब हम एक्चुअल में कोई मशीन चलाते हैं इसमें से ये हमें पूरा 9 वोल्ट दे नहीं पाता, इसमें से 8 वोल्ट या 7.5 वोल्ट ही हमें मिलता है, बाकी कहाँ गया। हम आने वाले टाइम में पढ़ेंगे इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट है, केमिकल है इसके अंदर, वो ना कुछ पोटेंशियल को ड्रॉप कर देता है, वो कुछ रख लेता है पोटेंशियल। तो मतलब अगर मान लो 9 वोल्ट कंपनी कहती है लेकिन जब मशीन इसमें से करंट बाहर निकलता है तो ये सिर्फ 8 वोल्ट ही दे पाता है, मतलब प्रैक्टिकल बाहर 8 वोल्ट ही मिलेगा, 9 मिलेगा नहीं कभी भी। तो लेकिन कंपनी क्या कहती है कि मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस कितना था इसमें? 9 वोल्ट। कब? जब आपने इसमें से करंट को बाहर नहीं निकाला तब, लेकिन अगर बाहर निकाला फिर मत कहना कि 9 वोल्ट निकला, फिर 9 से कम निकलेगा। वो आने वाले टाइम में स्टडी करेंगे ऐसा क्यों होता है, राइट? तो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ अ सेल का दूसरा नाम है ईएमएफ। तो ईएमएफ जो टर्म है वो सिर्फ सेल के लिए यूज होती है। आप ये नहीं कह सकते सर मैं न्यूमेरिकल कर रहा था, एक वायर थी, एक करंट था, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, क्या मैं इसे ईएमएफ बोल दूँ? ना, वायर के दो पॉइंट के पोटेंशियल डिफरेंस को पोटेंशियल डिफरेंस ही बोलते हैं, लेकिन सेल के दो टर्मिनल्स में मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस को ईएमएफ बोलते हैं। अब ये भी सोचने वाली बात है कि यार इसको पोटेंशियल डिफरेंस क्यों नहीं बोलते? बोल सकते हैं लेकिन मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बोलना, तो फिर इसका नाम ईएमएफ। ईएमएफ में फुल फॉर्म क्या है ईएमएफ की?
और ईएमएफ के यूनिट्स क्या है, वोल्ट है। फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब सोचने वाली बात यह है कि यूनिट्स तो रखता है वोल्ट के, है तो ये पोटेंशियल डिफरेंस, नाम किस पे रखता है, फोर्स पे। यार फोर्स तो न्यूटन में होती है, ये क्या बात बनी, तो गलत बात हो गई। तो कुछ तो सोच के इसका नाम रखा गया इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। आने वाले टाइम में मैं इसका आंसर दूंगा कि इसका नाम ईएमएफ क्यों रखा जाता है, पर अभी के लिए ईएमएफ का मतलब है मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स ऑफ अ सेल। जब उसमें से कोई भी करंट बाहर ना निकाला जाए तो उसको क्या बोलते हैं, ईएमएफ। तो ये टर्म हम यूज करेंगे। तो इस चैप्टर में सेल के मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस को वो ईएमएफ भी वर्ड यूज कर सकता है और पोटेंशियल डिफरेंस भी यूज कर सकता है, उसकी मर्जी है लगाने वाले की, जो मर्जी नाम ले। तो एक्सप्रेशन है फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी के एक्सप्रेशन के अंदर इंपॉर्टेंट मार्क करो, आएगा पेपर में, ड्रिफ्ट के बिना पेपर सेट नहीं होता सीबीएसई का, आएगा पक्का। तो एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के अंदर एक्सप्रेशन के अंदर आपने ये डायग्राम बनाना है, एक कंडक्टर बनाना है, नीचे एक बैटरी लगानी है, लगाने वाले की मर्जी, वो यहां वी लिखे या ई लिखे उसकी मर्जी है, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस ही। यहां पर एक लेंथ ली वायर की एल, ये पॉजिटिव टर्मिनल ने या पॉजिटिव नेगेटिव ने नेगेटिव जनरेट किया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन पे फोर्स ऑपोजिट एक्सपीरियंस होगी, माइनस क्यू ई, माइनस साइन ये शो कर रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड राइट है तो फोर्स कहां पर है, लेफ्ट है। राइट, डायग्राम बन गया, सारे इलेक्ट्रॉन लेफ्ट की तरफ भागेंगे। दो लाइनें लिख दी इसमें, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, स्लो एंड स्टेडी वेलोसिटी, स्टेडी का मतलब एवरेज वेलोसिटी, कॉन्स्टेंट वेलोसिटी। तो स्लो एंड स्टेडी वेलोसिटी ऑफ ऑल फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑफ अ कंडक्टर इन अ डायरेक्शन ऑपोजिट टू द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे सभी इलेक्ट्रॉन ऑपोजिट मूव करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के, जिस कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से मूव करेंगे उसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोला जाता है, ठीक है। और दूसरा पॉइंट है, जब एक्सटर्नल फील्ड को अप्लाई करते हैं तो ईच इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस सम एक्सेलरेशन फॉर सम टाइम, मैंने बताया कुछ टाइम के लिए एक्सेलरेशन एक्सपीरियंस करेगा और स्टार्ट कर देगा मूविंग इन डायरेक्शन ऑपोजिट टू द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट मूव करेगा और एक्सेलरेशन एक्सपीरियंस करेगा। अब मान लेते हैं A1, A2, A3, An वेक्टर और एक्सेलरेशन जो एक्सपीरियंस करेंगे एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट ने एक्सपीरियंस की A1, सेकेंड ने A2, थर्ड ने A3, लास्ट ने An। हम अलग बात है कि मैंने A1, A2 लिखा लेकिन एक्चुअल में सभी सेम एक्सेलरेशन एक्सपीरियंस करते हैं। मैं एंड में A1, A2, A3 को A पुट कर दूंगा क्योंकि सेम एक्सेलरेशन है क्यू ई बाई एम। तो इसके अंदर T1, T2, TN टाइम है फॉर विच रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस एक्सेलरेशन। जैसे एक इलेक्ट्रॉन भागा एक वायर में, यहां से यहां भागना शुरू ही किया था, उसकी टक्कर ही एटम से अंदर हो गई, पॉजिटिव आयन से टक्कर हो गई, जैसी टक्कर हुई उसका खेल खत्म, वो दोबारा शुरू करेगा अपना गेम। तो जितने टाइम में टक्कर हुई तब तक वो एक्सेलरेट किया, वो टाइम T1 है। फिर ऐसे दूसरा इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट करता है, उसकी टक्कर बहुत लेट होती है कि किस्मत है, लग गया उसका रास्ता ऐसा था, वो बच गया। तो टाइम टेकन कितना है उसका एक्सेलरेशन का, T2। टक्कर तो होनी होनी है, किसी की जल्दी किसी की लेट, तो लेकिन तब तक वो एक्सेलरेशन एक्सपीरियंस करेगा, कोई T1 के लिए, कोई T2 के लिए, कोई T3 के लिए, क्योंकि हर की कोलिजन एक साथ नहीं होती है, हर की कोलिजन का टाइम डिफरेंट हो सकता है। अब जब तक कोलिजन नहीं होगी तब तक वेलोसिटी बढ़ेगी। तो मान लो पहले इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी V1 होगी, V2 होगी, VN होगी, फाइनल वेलोसिटी इज एक्वायर्ड बाय द ऑल इलेक्ट्रॉन्स। तो पहले इलेक्ट्रॉन की इक्वेशन क्या लगेगी, V1 इज U1 प्लस A1 इंटू T, दूसरे की V2 U2 A2 T, आखिरी की VN UN AN T। लेकिन ये सारी तो लाखों करोड़ों वेलोसिटीज हैं, हम इस पे काम नहीं करेंगे, हम सबका क्या लेंगे, इसका एवरेज। ये जो एवरेज वेलोसिटी है इसी को क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, सभी इलेक्ट्रॉन्स की एवरेज वेलोसिटी है। V1 की जगह U1 प्लस AT, V2 की जगह U2 प्लस AT, VN की जगह UN प्लस AT डिवाइडेड बाय N। इसको थोड़ा सेपरेट करते हैं, U1 U1 U2 U3 वाली टर्म डिवाइड बाय N एक तरफ, A1 T1 A2 T2 वाली टर्म एक तरफ, तो ये सेपरेट कर लिया। हम ये मानते हैं कि इनिशियली सभी इलेक्ट्रॉन्स वैसे तो रैंडम मोशन में थे, पर रैंडम मोशन में इनिशियल वेलोसिटी को रेस्ट पे माना जाता है। रेस्ट क्यों, क्योंकि मैंने इसकी जगह ले ली, इसने मेरी जगह ले ली, अफेक्ट तो जीरो ही हो गया। तो इसलिए U1 U2 U3 का वेक्टर सम क्या माना जाएगा,
जीरो, क्योंकि अल्टीमेटली रैंडम मोशन में रहते हैं, तो इनिशियल वेलोसिटी का वेक्टर सम क्या रहेगा, इसको उड़ा दो। फिर ए वन ए टू ए थ्री की वैल्यू तो बराबर ही होती है, इसमें से एक कॉमन निकाल लो, तो इसमें से एक कॉमन निकलेगा, तो एक कॉमन आ गया, तो क्या बचा, टी वन टी टू टी थ्री अपॉन एन। अब एक इलेक्ट्रॉन की टक्कर से पहले या एक इलेक्ट्रॉन का टक्कर जब होता है तो टाइम टेकन टी वन है, दूसरे का टी टू है, तीसरे का टी थ्री है, ऐसे तो करोड़ों टाइम आएंगे, हम इसका भी क्या ले लेंगे, एवरेज। हम ये मानते हैं प्रैक्टिकली तो हर इलेक्ट्रॉन का टक्कर का टाइम डिफरेंट है, पर हम ये मानते हैं कि हम एक ही एवरेज लेके चलेंगे, तो इसको टाउ या टाइम टी लिखेंगे, और इसका नाम क्या होगा, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। एवरेज का तो मतलब समझ में आ गया कि एवरेज क्यों, रिलैक्सेशन टाइम मतलब क्यों, रिलैक्सेशन वर्ड क्यों लगा दिया, देखो क्योंकि उसको चांस दिया तू भाग, इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन भागा वी वन वेलोसिटी, वो कहता जो टक्कर होगी उसे कहता तू रिलैक्स कर, तू गेम द्वारा शुरू कर, तू फिर एक्सलरेट कर, तो वो रिलैक्स हो गया, फिर वो द्वारा शुरू करेगा, फिर टक्कर होगी, वो रिलैक्स हो गया, तो उसका नाम क्या रख दिया, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। तो किसी भी कोलिजन के टाइम को क्या बोलते हैं, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। तो आपका एक्सप्रेशन क्या बन गया, एक्सेलेरेशन की वैल्यू क्या होगी, वेक्टर फॉर्म में माइनस चार्ज इलेक्ट्रॉन पे ई इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड बाय एम, और माइनस साइन ये शो कर रहा है कि एक्सेलेरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रिक फील्ड आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। इसको उठा के यहाँ पुट करके फॉर्मूला रजिस्टर में एंटर करें, डेरिवेशन आएगी, एंटर करें, वेलोसिटी ऑफ ड्रिफ्ट का ये फॉर्मूला एंटर करें।